जम्मू कश्मीर से यह खबर है। बारामूला जिले के सोपोर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके में 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। लगातार कश्मीर में ऐसी हरकतें सामने निकल कर आ रही हैं और एक और ऐसी ही वारदात अब होने की खबर आई है जिसमें 4 पुलिस वालों के शहीद होने की खबर निकल कर आ रही है। जैसे अपडेट आएगा हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल की खबर ये है सोपोर से निकल कर आई है, कश्मीर के सोपोर में, जहां पर एक आईईडी ब्लास्ट किया गया है। बारामूला जिले के सोपोर में ये धमाका हुआ है जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। धमाके में 3 दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। काफी तीव्रता थी इस धमाके की जिसमें 3 दुकानों पर असर पड़ा और साथ ही 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, पुलिसकर्मी 4 शहीद हुए हैं इस धमाके में। आईईडी का इस्तेमाल इस धमाके के लिए किया गया जो कि अभी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक, और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सोपोर जिले की, सोपोर जगह की, बारामूला जिले के अंदर ये इलाका पड़ता है कश्मीर में जहां पर ये धमाका हुआ है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन दुकानों को नुकसान हुआ है। और इस धमाके में जो अभी खबर निकल कर आई है वो ये कि 4 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। हालांकि इस धमाके के बाद उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।